राफेल विमानों के भारत में लैंड करते ही चीन इस कदर डर गया था कि उसने अपने सबसे एडवांस लड़ाकू विमान Z-20 को ही LAC पर फ्रंट लाइन में तैनात कर दिया था। लेकिन अब चीन से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चीन इतना कंफ्यूज हो चुका है कि वो फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि राफेल के मुकाबले के लिए Z-20 को आगे लाए या फिर JF-17 को। इधर चीन इतनी कन्फ्यूजन में है तो उधर पाकिस्तान की भी हालत भीगी बिल्ली से कम नहीं है। एक के बाद एक फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खेप भारत पहुंचने के बाद पाकिस्तान इस कदर डर चुका है कि अब वो मदद के लिए चीन का दरवाज़ा खटखटा रहा है, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान पहले ही भारतीय वायुसेना की ताकत का ट्रेलर देख चुका है और अब राफेल को अपने जंगी बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर जो रणनीतिक बढ़त हासिल की है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अपनी इसी उड़ी हुई नींद को शांत करने और चैन से सोने के लिए पाकिस्तान चीन से बहुत जल्द J-20 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान शुरुआत में सिर्फ 5 ही J-20 खरीदना चाहता है। पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को हाल ही में J-20 फाइटर जेट्स मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया था और पहले से ही हाथ फैलाकर बैठे पाकिस्तान ने तुरंत J-20 खरीदने की तैयारियां शुरू कर दीं। अभी तक इन फाइटर जेट्स को लेने को लेकर इसकी कीमत आड़े आ रही थी और चीन इसकी जो कीमत मांग रहा था वो भिखारी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लग रही थी। मगर फ्रांस से भारत में राफेल दस्ता आते ही पाकिस्तान ने चीन से फिर से इन जेट्स को खरीदने के लिए संपर्क साधा है। हालांकि इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि पाकिस्तान राफेल के मुकाबले के लिए चीन से एमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज़्यादा J-10CE फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में लग गया है। इसके लिए अक्टूबर में पाकिस्तान से एक टीम ने चीन का दौरा किया और 50 J-10 खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राफेल से मुकाबले के लिए कौन सा विमान खड़ा किया जाए। इसे लेकर ना केवल चीन ही कंफ्यूज है बल्कि पाकिस्तान भी बुरी तरह घबराया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ना केवल चीन बल्कि पाकिस्तान भी ये अच्छी तरह जानता है कि चीन के पास ऐसा कोई भी विमान नहीं है जो राफेल का मुकाबला कर सके। तो वहीं पिछले कुछ सालों में राफेल चिनूक अपाचे जैसे आधुनिक विमानों और हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत में जो ज़बरदस्त इजाफा किया है उसने पाकिस्तान को भारत से मुकाबले की रेस से ही बाहर कर दिया है। लेकिन अपनी तसल्ली और चैन से सोने के लिए चीन पाकिस्तान को कुछ तो करना पड़ेगा।